हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माई लिटिल लिटिल्स वेरी वेरी यूर मैथ्स टीचर यू एट विदांत आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस अमेजिंग सेशन सो वट वी के टॉक अबाउट सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही मच अवेटेड टॉपिक है बहुत ही मच रिक्वेस्टेड वीडियो है ये एब्सोल्यूटली सो वी केन टॉक अबाउट द न्यू ईयर रेजोल्यूशन सो बट in my language uh, they are new year goals new year new goals but for you uh, it might be your resolution because for me resolutions are never never like never worked for me so i call them new goals all right so whatever it is for you you can call it that only. So, Jovi Yaj me goals with you. They are gonna change your life if you follow them. Believe me guys. So jali say si like ka button toko and subscribe ka bhi button dena And let's get straight into the goal number one. You have few goals which I'm gonna tell you. They are some ideas, but the situation, the desires, the interest are different from me. so from my perspective these are some good tips you can take help from them why you need goals why you need goals because they give you a path to walk on अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है तो आप कहीं भी चलोगे ना right तो इसीलिए I'm gonna give you some ideas कि आप ऐसे-ऐसे जा सकते हो

सो देर आर प्लेटी अमाउंट ऑफ बुक्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट जो आपको पढ़ना चाहिए इट माइट भी इन हिंदी इट माइट भी इन इंग्लिश इट माइट बी इन एनी अदर लैंग्वेज बट पढ़ना है ठीक है रीड अ बुक देर शुड बी अ गोल दैट यू हैव टू कम्प्लीट दैट वन पर्टिकुलर बुक विद इन मंथ अब वन मंथ क्यों लिया है क्योंकि सबकी ना रीडिंग कैपेसिटी अलग होती है तो अग अब अगर आप कभी स्लो रीडर भी हो गए तो वन मंथ इज इनफ टू कम्पलीट अ बुक तो वन मंथ में खत्म करनी है ये डिसाइड कर लो अपने आवर्स में से अपने लिए एक घंटा निकालो टू रीड अ गुड बुक ठीक है और मिलता है टाइम ठीक है कभी कभी तो ज़्यादा भी मिल जाता है तो अभी ना शायद अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं करी होगी इफ यू आर अ बिगिनर तो अपने इंटरेस्ट की बुक पढ़ना उसके बाद एक्सप्लोर करना जब भी किसी और के इंटरेस्ट से पढ़ना है तो बाद में जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है जब मैंने शुरुआत करी थी फिर uh, मतलब इट्स इट वॉज़ लाइक कि मेरे घर में से एवरीबडी रीड बुक्स तो देर वॉज अ कल्चर टू रीड द बुक बट मम्मी का अलग इंटरेस्ट है पापा का अलग है मेरे भैया का अलग है बहन का अलग है तो मुझे कभी इंटरेस्ट निकला ही नहीं फिर जब मैंने खुद के इंटरेस्ट की बुक ली और उसे पढ़ा फिर जाके मेरा इंटरेस्ट जागा ठीक है तो पहले आई विल आई विल सजेस्ट यू टू रीड अ बुक विच इज ऑफ योर इंटरेस्ट जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है जो भी आपको टॉपिक पसंद है उसकी बुक पढ़ो देन यू विल डेवलप एंड देन यू मे एक्सप्लोर फॉर न इंटरेस्ट तो आएगा ही नहीं ठीक है तो डेफिनेटली मेक दिस गोल आई विल डेफिनेटली वॉन्ट यू गर्स टू टेक इट एज अ गोल न्यू ईयर न्यू गोल टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकिंग दिस गोल आउट ऑफ इट ओके नाउ द सेकेंड वन टू डू लिस्ट बहुत हजारों बार बात कर चुके हैं हम इस बारे में ठीक है माइंड मैपिंग सब करते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में ये करना है ये करना है ये करना है बट राइट इट डाउन जब आप लिखते हो ना इट बिकम्स लाइक अ क्रिस्टल क्लियर थिंग ठीक है जैसे आप बोलते हो ना मैम क्रिस्टल क्लियर हो गया वैसे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं होगी प्रियोरिटी वाइज आप काम करोगे आप खुद देखोगे चेंज इतना आया है लाइफ में बिलीव में बच्चों अगर इनमें से ये सारे गोल आपने अपना है, अपनी लाइफ में लाइक इनकल कर लिए कूट कूट के भर लिए नो बडी कैन स्टॉप यू टू बी सक्सेसफुल नेवर लाइफ बिल्कुल आप इतने गलत कभी नहीं हो सकते बच्चों कभी भी नहीं कि आपको झूठ बोलना पड़े कभी भी नहीं एक बार में झूठ बोल सच बोल के खत्म करोगाई है ना झूठ बोलने की जरूरत ही ना पड़े ठीक है नंबर फोर नेवर लिव इन पास्ट कुछ बच्चों को मैंने देखा है बच्चों को नहीं बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है यार मेरे साथ यू हो गया यार <laughs> यार मेरे ये मेरा एग्ज़ाम हुआ था यार मेरा बड़ी खराब हुआ है यार मेरा वो जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है यार अब तो मैंने वो कर दिया अब मम्मी क्या बोलेगी लाइक दीज थॉट्स ठीक है इसको बोलते हैं लिविंग इन पास्ट भाई जो हो गया वो हो गया यू आर इन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं सोच सकते आपको पता ही नहीं है यू आर नॉट गॉड कि आप पास चेंज करो फ्यूचर पता लगाओ यू आर अ ह्यूमन बींग एवरीथिंग लाइज इन प्रेजेंट आज ही है वो अभी का पल जो अभी आप मेरे साथ हो दैट इज द राइट मोमेंट जो हो चुका दैट इज नॉट द मोमेंट आने वाला है दैट इज नॉट द मोमेंट राइट नाउ जो आप अभी मुझे सुन रहे हो मुझे देख रहे हो दैट इज द राइट मोमेंट दैट इज प्रेजेंट ठीक है आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एम वेइंग ठीक है इस बात को ध्यान रखना ठीक है आ जाओ बट जो आई वुड लाइक टू से मेक न्यू फ्रेंड्स वाई ओके मेकिंग फ्रेंड्स एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स बेसिकली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जब आप फ्रेंड्स बनाते हो मे बी आप थोड़े से ना शाई काइंड ऑफ हो गए जल्दी खुल नहीं पाते हो बट ट्राई करो ठीक है कोई बचपन से ही बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल में नहीं होता है बट ट्राई करो यू विल बी द बेस्ट ठीक है अब न्यू फ्रेंड्स के ऊपर बच्चों आपको नई चीजें सीखने को मिलती है यू एक्सप्लोर बेटर आपको दुनिया के और पर्सपेक्टिव जानने को मिलते हैं यू फील बेटर अब आपका स्ट्रेस रिलीज होता है ठीक है दैट इज वाई ना बच्चों अभी आप सोच रहे हो कि मैम नए फ्रेंड्स बनाएंगे टाइम वेस्ट होगा बच्चों यू लर्न समथिंग जरूरी नहीं है किताबों से ही सीखने को मिलता है लोगों से मिल के भी बहुत कुछ आप सीखते हो जो किताबों में नहीं होता ट्रस्ट मी नाउ द नेक्स्ट गोल इज कनेक्टिंग विद द फैमिली मेम्बर यस इसका मतलब ये नहीं है सुबह उठ के व्हाट्सएप में मैसेज गुड मॉर्निंग सोने के पहले गुड नाइट फालतू के मैसेज भेज रहे हैं फैमिली ग्रुप में नहीं करना है वो काम ठीक है यस <laughs> yes. नहीं करना है करना क्या है अपने पास किसी ना किसी को अपने क्लोज रखो जिसको आप अपनी बातें कम्युनिकेट करते हो इट माइट बी योर फादर इट माइट बी योर मदर इट माइट बी योर सिस्टर इट माइट बी योर ब्रदर एनी वन बट किसी को साथ में रखो बिकॉज इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद समबडी हुम यू कैन ट्रस्ट हुम यू कैन टेल एनी थिंग दे आर नॉट गोन अट जज ठीक है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिल की बातें किसी को बताओ अपने मन में मत रखो अपने दिल को दुखाओ मत अभी आप बहुत प्यारा सा मन है आपका ठीक है अभी से दुखाने लग जाओगे तो क्या होगा ठीक है अपनी बातें शेयर करो दे विल गाइड यू क्योंकि उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो ठीक है अगर आपके पास कोई नहीं है सो आई एम देअ फॉर यू यू ऑल हैव माई ई मेल एड्रेस यू ऑल कैन कनेक्ट मे ठीक है नाउ द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल यू हैव टू डू दिस कल करना नहीं है हाँ जी राइट नाउ आई टोल्ड यू दिस इज द राइट मोमेंट यस तो डूइंग एक्सरसाइज डूइंग समथिंग विच मेक यू हेल्दी ये करना है आपको नाउ द वेरी वेरी नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट गोल इज फोकस ऑन लर्निंग अब लर्निंग कैन बी डन by books only? Can we say that? No. It can be done in so many mediums. ठीक है बहुत सारे mediums होते हैं learning करने के बहुत important है कि आप हर एक वक्त कुछ नया सीख रहे हो ठीक है ये जरूर ध्यान रखना Focus on learning. वेरी नेक्स्ट वेरी वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल इज एडॉप्ट एन एटीट्यूट ऑफ ग्रेटिट्यूड हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होना बहुत जरूरी है ये मैंने बहुत बार आप सभी को बोला है आज फिर रिपीट कर रही हूं बैड हैबिट्स को बोलो बाय बाय ठीक है बैड हैबिट्स क्या होता है आपका मन बोलता है वो करने का बट क्या आपके पास सेल्फ कंट्रोल है डोंट लेट एनी थिंग एनी बडी इन दिस होल वर्ल्ड कंट्रोल योर माइंड नो बडी कैन कंट्रोल इट यू आर द ओनली थिंग ऑफ योर सेल्फ यू हैव टू कंट्रोल इट ठीक है सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है धीरे धीरे आएगा बचो बहुत स्ट्रांग नहीं होगा अभी बट अभी से स्ट्रांग करना करने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा है बेटा बहुत ज़रूरी है ये नेक्स्ट थिंग शुगर इंटेक कम करो बहुत ही जरूरी है बेटा अगर आपको मेरी तरह मीठा बहुत पसंद है तो जैगरी खा लो ठीक है मेरे साथ क्या है मील ऑफ द डे डज नॉट कम्प्लीट इफ इफ़ आई डू नॉट इनटेक सम शुगरी थिंग मेरी बहुत गंदी आदत है यस आई एक्सेप्ट दैट एंड आई एम गना जस्ट इम्प्रूव ऑन दिस ठीक है ये पता है एडिक्शन होता है शुगर शुगर इज रियली एडिक्टिव ठीक है तो जागरी खा लो दैट इज नॉट दैट हार्मफुल ठीक है आई आद दैट इज हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट गोल ऑफ द डे कंसिस्टेंसी जो ऊपर इतने सारे गोल्स बताए ना उन सब का महाराजा और यू कैन से दिन गोल यही है अगर ये चीज़ आ गई आपको तो बाकी सबका लोगे ये नहीं आया तो बाकी साहब दो दिन करोगे और तीसरे दिन आप भूल जाओगे करना भी है ठीक है कंसिस्टेंसी का मतलब है आज कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कल छोड़ देंगे कल कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है परसों छोड़ देंगे कंसिस्टेंट रहना है मैं आपको बताती हूँ आई एम गा गिव यू द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ माई रियल लाइफ मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा माई ओन फादर He ही इज वेरी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स एनी ऑफ द took up agar unhone अगर उन्होंने ठान लिया है कि उनको चीनी नहीं खानी है he is not going to eat that kuch कुछ भी घर में बन जाए he is not going to eat that. अगर उन्होंने ठाना हुआ है कि he is going to जस्ट टेक अ राउंड ऑफ द पार्क एवरी डे वो रोज जाते हैं घर में कोई भी फंक्शन हो वो कहीं बाहर हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तब भी वो करते हैं वो किसी ना किसी बहाने से वो निकाल लेते क्योंकि जब हम सोचते हैं ना नहीं हो पाएगा अब तो छोड़ देते हैं नहीं हो पाएगा तो वो छूट जाता है जब हम होल्ड करके रखते हैं जब हमारे दिमाग में माइंडसेट बना होता है कि नहीं हमें करना है तो वो हो जाता है ठीक है सो so, बहुत ही कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है दो दिन दस दस घंटे पढ़ने से अच्छा है कि रोज़ आप एक घंटे पढ़ो ठीक है ये दिमाग में बिठा लो कि एक दिन में दस दिन दस घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा रैदर इफ यू लर्न एवरी डे वन hour, वो बहुत इफेक्टिव है बिलीव me. so this is it from my side. Do let me know in the comment section. Did you like this video? And what are your new goals new for this new year? And do let me know in the comment section. Were these goals helpful for you or not? So thank you so much for watching this video. Before I go, I quickly want to remind you about Vedantu subscription. If you want to learn with the best teachers, want to score hundred percent marks, want to play quizzes, want to play quizzes in the replays also, want to take downloadable content. In within handwritten master teacher notes are also there you can solve all of your doubts also crash courses special courses micro courses free of cost go for it and you will be getting 20 percent instant discount if you use the code 80 pro go for it one month will be available to you for 2159 three months plan will be available to you for double five double nine so thank you so much for watching this video and Hit the like button, subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon so that you never ever get missed any of the important video out of the channel. So I hope you new year brings a lot You get all the things whatever you desire in your life. I wish you guys a very very happy new year. Thank you so much for loving and supporting this channel do join our telegram group the link for the group is given in the description and share this particular video to all of your friends so that they can be also benefited from this so final bye bye we'll see you in the next session